ज्योतिष में ऐसा बताया जाता है कि जब जब ग्रहों की चाल में बदलाव आता है तो इसका असर हर इंसान के ऊपर पड़ता है। हर राशि के जातक को इसका असर जरूर ही देखने को मिलता है। अब ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। आपको बता दें, सूर्य चंद्रमा की स्थिति से प्रति और धाता नाम के योग बन रहे हैं। इसका शुभ प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिल सकता है। बता दें आपको, आज हम आपको उन बारह में से तीन राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके ऊपर प्रीति और धाता योग की वजह से अब इनका कल्याण होने वाला है और इनके हाथों कोई जैकपॉट भी लग सकता है और इनका हर पल अब सुहाना होने वाला है। चलिए बताते हैं आपको उन तीन राशियों के बारे में। तो वो है मेष, वृषभ और मकर। बता दें आपको, आप लोगों का आने वाला समय काफी ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा भी हो सकती है, कोई मनपसंद खुशी भी आप लोगों को मिल सकती है, भाग्य आपका अच्छा साथ दे सकता है। धर्म कर्म में रुचि पढ़ने से आपके जनसंपर्क बेहतर हो सकते हैं। बता दें आपको, आने वाले दिनों में कुछ आप ऐसे लोगों से रिश्ते बना सकते हैं जो कि समाज में काफी ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। अगर किसी तरह का कोई कोर्ट मुकदमा चल रहा है तो वो भी अब आपके पक्ष में ही रहने वाला है। इसमें आपको राजसी ठाट बाट से जीने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है। तो ये थी वो तीन राशियां। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, वो राशियां हैं मेष, वृषभ और मकर। इसी तरह रोजाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।